नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त प्राण प्रकृति खंड अध्याय 22 तुलसी पूजन ध्यान नामाष्टक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभो तुलसी भगवान नारायण की प्रिया हैं, इसलिए परम पवित्र हैं, अतएव वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं, परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है और इनकी स्तुति के लिए कौन सा स्तोत्र है, यह मैंने अभी तक नहीं सुना है। मुने किस मंत्र से उनकी पूजा होनी चाहिए? सबसे पहले किसने तुलसी की स्तुति की है? किस कारण से वह आपके लिए भी पूजनीय हो गईं? अहो, ये सब बातें आप मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं, शौनक, नारद की बात सुनकर भगवान नारायण का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने पापों का ध्वंस करने वाली परम पुण्यमयी प्राचीन कथा कहनी आरंभ कर दी। भगवान नारायण ऋषि बोले, मुने, भगवान श्रीहरि तुलसी को पाकर उसके और लक्ष्मी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव तथा सौभाग्य में लक्ष्मी के समान बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो तुलसी के नव संगम सौभाग्य और गौरव को सह लिया, किंतु सरस्वती क्रोध के कारण यह सब सहन न कर सकी। सरस्वती के द्वारा अपना अपमान होने से तुलसी अंतर्धान हो गई। ज्ञान संपन्ना देवी तुलसी सिद्ध योगिनी एवं सर्व सिद्धेश्वरी थी, अतः उन्होंने श्रीहरि की आंखों से अपने को सर्वत्र ओझल कर लिया। भगवान ने उसे न देखकर सरस्वती को समझाया और उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन में गए। लक्ष्मी बीज श्रीम, माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज एम, इन बीजों का पूर्व में उच्चारण करके वृंदावनी इस शब्द के अंत में डे विभक्ति लगाई और अंत में वहन्य जाया अर्थात स्वाहा का प्रयोग करके श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन्ये स्वाहा इस दशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। नारद, यह मंत्रराज कल्पतरु है, जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों से तथा स्तोत्र द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उसे वर दिया, देवी तुम सर्वपूज्या हो जाओ, मैं स्वयं तुम्हें अपने मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यों कहकर उसे साथ ले भगवान श्रीहरि अपने स्थान पर लौट गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, तुलसी के अंतर्धान हो जाने पर भगवान श्रीहरि विरह से आतुर होकर वृंदावन चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा करके इस प्रकार स्तुति की थी। श्री भगवान बोले, जब वृंदा अर्थात तुलसी रूप वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं, तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुधजन अर्थात वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती है, अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। देवी जिसने सदा अनंत विषयों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी पुष्प सारा पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ।
संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है। इसीलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्ध है, वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा से प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरे वहीं बैठ गए। इतने में उनके सामने साक्षात तुलसी प्रकट हो गई। उस साध्वी ने उनके चरणों में तुरंत मस्तक झुका दिया। अपमान के कारण उस मानिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर प्रियतम भगवान श्रीहरि ने तुरंत उसे अपने हृदय में स्थान दिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने महल में ले गए। उन्होंने शीघ्र ही सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम स्थापित करवाया। साथ ही भगवान ने तुलसी को वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्या और शिरोधार्या हो जाओ, सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने उसे हृदय से लगाया और अपने पास बैठा लिया। नारद, लक्ष्मी और गंगा इन दोनों देवियों ने मंद मुस्कान के साथ विनय पूर्वक साध्वी तुलसी का हाथ पकड़कर उसे भवन में प्रवेश कराया। वृंदा, वृंदावनी, विश्वपावनी, विश्वपूजिता, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्तोत्र के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्रीहरि ने उसकी पूजा संपन्न की। जो इस कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर विश्वपावनी तुलसी की भक्तिभाव से पूजा करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। इस तुलसी नामाष्टक के स्मरण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है। जिसे पत्नी न हो, उसे पत्नी मिल जाती है, तथा बंधुहीन व्यक्ति बहुत से बांधवों को प्राप्त कर लेता है। इसके स्मरण से रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है, भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, यह तुलसी स्तोत्र बतला दिया, अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। तुम तो इस ध्यान को जानते ही हो, वेद की कणों शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यान में संपूर्ण पापों को नष्ट करने की अबाध शक्ति है। ध्यान करने के पश्चात बिना आवाहन किए भक्तिपूर्वक तुलसी के वृक्ष में षोडशोपचार से इस देवी की पूजा करनी चाहिए। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार हैं, ये पूजनीय तथा मनोहारी हैं। संपूर्ण पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान हैं। पुष्पों में अथवा देवियों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं हो सकती, इसलिए उन सब में पवित्र रूपा इन देवी को तुलसी कहा गया। ये सबके द्वारा अपने मस्तक पर धारण करने योग्य हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी जीवन मुक्त हैं। मुक्ति और भगवान श्रीहरि की भक्ति प्रदान करना इनका स्वभाव है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान, पूजन और स्तवन करके देवी तुलसी को प्रणाम करे। नारद, तुलसी का उपाख्यान कह चुका, पुनः क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 22 संपूर्ण। जय राधा माधव।